राजीव कुमार 18वीं वाहिनी का पदस्थापित है, जो कि जिला बरपेटा असम के रहने वाले हैं। भूपेंद्र प्रसाद, जो कि 79वीं वाहिनी सिक्किम क्षेत्र मुख्यालय गंगटोक सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो कि जिला पश्चिम चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो जिला नदिया पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और दिलीप विश्वास ने आज के भव्य परेड का नेतृत्व प्रदान किया है। उमेश चंद्र पासवान, जो कि 36वीं वाहिनी दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उमेश चंद्र पासवान ने पूरे बुनियादी प्रशिक्षण में सभी विषयों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर आज यह सभी विजेताओं को पुरस्कार भेंट कर कृतार्थ करने हेतु महोदय के हम आभारी हैं। उनको BOP में और जनरल ट्रेनिंग भी प्रशिक्षित किया गया है, ताकि आपको
हमारे बॉर्डर की अच्छी स्थिति का आभास हो सके और विषम परिस्थितियों में ही रहने के लिए आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार रह सकें। आपको बेसिक ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के हथियारों का अभ्यास कराया गया है, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में बिना किसी दुविधा के, बिना किसी समस्या के प्रयोग कर सकें उनका। और ये जो ट्रेनिंग है, ये आपके भविष्य के जीवन की बुनियाद है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोरखपुर ने आपको एक मजबूत बुनियाद देकर आपको बहुत ताकतवर बनाया है। मैं इसके लिए यहाँ के बहुत कुशल ट्रेनर्स की भी सराहना करता हूँ। आप सभी ट्रेनिंग में 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण में जिस प्रकार लगन, धैर्य, समर्पण और अनुशासन का परिचय दिया है, जिस तरह से आपने सभी आउटडोर और इनडोर गतिविधियों में और अस्त्र संचालन की विभिन्न विधाओं में दक्षता हासिल की है, ये आपकी बल के प्रति निष्ठा को दर्शाता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान अन्य सैन्य स्किल, कई सैन्य स्किल्स में महारत और दक्षता हासिल की है और इन स्किल्स का, इस कौशल का आपको देश की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और लगन से कार्य करें ताकि आप सशक्त सीमा बल और देश के एक प्रभावी सीमा रक्षक बन सकें। आपके प्रशिक्षण काल के दौरान पूरा विश्व कोविड महामारी की चपेट में था। ऐसे विकट समय में भी आपने अपने प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने आप को स्वस्थ रखा। और इस सराहनीय कार्य के लिए भी मैं आपको और आईआईटी गोरखपुर के आपके प्रशिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए ये विशेषकर कठिन समय था, कठिन समय था, क्योंकि जैसे कि आम प्रशिक्षणों में होता है कि आपको प्रशिक्षण के बीच में एक मिड टर्म ब्रेक मिलता है, वो भी कोविड के कारण आपको नहीं मिल पाया। तथापि आपने धैर्य का परिचय दिया और इसके लिए भी आप बधाई के पात्र। सशस्त्र सीमा बल एक ऐसा अनूठा बल है जो एक की सीमाओं के साथ साथ अनेक कल्याणकारी कार्यों में भी लगातार लगा रहता है और इसके सीमा की जनता के मन में सुरक्षा और आत्मीयता का भी बोध कराया है। इसे भी न केवल निःशुल्क मानव और पशु चिकित्सा के साथ साथ अन्य कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का सतत प्रयत्न करता है, बल्कि अपनी अर्थपूर्ण और सकारात्मक उपस्थिति कई तरह से जो असामाजिक तत्व सीमा पर मौजूद रहते हैं उनके मन में भी अपनी उपस्थिति से सकारात्मक अपने मूल मंत्र सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का इस पर भी कर दिया। सभी सशस्त्र बलों में विशिष्ट स्थान रखता है। अधिकारियों पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इन 44 सप्ताह की अवधि में इन कार्यक्रमों को विभिन्न सैन्य विधवों में दर्ज कर इन्हें न केवल एक योग्य सैनिक बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनाया है और इस रूप में इनको देश की सेवा और प्रगति के लिए तैयार किया है। मैं आपके इस कार्य की हृदय से प्रशंसा करता हूँ। अंत में मैं आप सभी नव आरक्षियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि आप अपनी सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण से देश एवं सशस्त्र सीमा बल को गौरवान्वित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जो होगा सलामी मंच की ओर अग्रसर है। जवान रेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान
Benjamin! मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड को कार्यवाही में वापस जा रहे अंजाम अभी बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर जमीन आपी है, पूरा आसमां अभी बाकी है। आज की इस पावन बेला में प्रकृति भी इन रण बाकुरों के साथ देश सेवा की मस्ती में झूम रही है। आसमान में दूर धरती को चूमते गजरारे बादल, मंद गति से बहती हुई मदमस्त हवाएं मानो इन नव आरक्षियों को आशीर्वाद दे रही हो, और किले की प्राचीर मानो इन्हें संदेश दे रही हो कि चट्टान की भांति अटक रहे और भारतीय तिरंगे के साथ बढ़ते रहे। बढ़ते रहो और बढ़ते ही रहो। आइए हम सब इन रण बाकुरों के सुखद व मंगलमय भविष्य की कामना करें। यहाँ उपस्थित सभी दर्शक दीर्घ सम्मानित महिलाएं एवं बच्चों से अनुरोध है कि देश सेवा में पहला कदम रखने जा रहे राजदाता अपनी स्वर लहरियों की झलक प्रस्तुत करेंगे, जिसका नेतृत्व मुख्य आरक्षी सामान्य रंजन कुमार राय कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बैंड में विभिन्न वाद्य यंत्र जैसे क्लैरिनेट 8, ई बेस 2, यूफोनियम 2, ड्रम 1 1, ऑल्टो सेक्सो 1, ट्रेनर सेक्सो 1, बांसुरी 1, ड्रम 1, साइड ड्रम 2, कॉर्नेट 6 तथा सिंबल 1। बैंड मास्टर रंजन कुमार राय के इशारों के ऊपर यह ब्रास बैंड दस्ता बस समस्त उनके सदस्य स्वर लहरियों की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बैंड विजय भारत की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके समक्ष डिस्प्ले के लिए पान के पत्ते के आकार को दिखाएंगे। एक बड़े गोलाकार व दो छोटे गोले बनाने के बाद तुरंत बैंड फॉर्मेशन में आकर देशभक्ति वंदे मातरम गीत व धीरे चाल से स्वास्तिक बनाकर अद्भुत कला का प्रदर्शन करेंगे। ब्रास बैंड अनेकों पास आउट परेड में सम्मिलित होकर परेड मैदान को सुशोभित कर चुका है। ये बैंड 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है और प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर चुका है। 66वीं वाहिनी सिद्धार्थनगर में राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल के स्वागत समारोह में बैंड ने भाग लिया और महोदया का आशीर्वाद मिल चुका है। ये बैंड कई बार मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जिसमें ये बैंड विभिन्न जगहों पर देशभक्ति गीतों के माध्यम से लोगों के मन में
महोदय इस प्रदर्शन में कुल 3 सॉन्ग शामिल हो रहे हैं, किसी जो कि बाईसवीं वाली महाराजगंज में तैनात है, जिसका परिचारक आरक्षी सामान्य महेश्वर है। अपने परिचारक के आदेश पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता भेंट करेगी। यहाँ उपस्थित समस्त दर्शक दीर्घा सम्मानित महिलाएं एवं बच्चों का अनुरोध है, दर्शक माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता भेंट करेगी, जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करें। आप देख रहे हैं किस प्रकार से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के पास जाकर उनको गुलदस्ता भेंट की। और पुनः एक बार सम्मान दिया तो किसी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। अपने परिचारक के आदेश का इंतजार। आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्वान लंबर्ट ने 11 फीट लगभग, आप देख रहे हैं किस प्रकार से बाधाएं पार करते हुए यह स्वान अपने परिचारकों के साथ इन बाधाओं को पार किया। जोरदार तालियां स्वान किसी के लिए। और अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से आग के छल्ले से इन्होंने उस बाधाएं को पार किया और वापस अपने परिचारक के पास। स्वान मैग्नस, तीनों स्वानों ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया और वापस जाते हुए महोदय प्रदर्शन की श्रृंखला में अब अगला प्रदर्शन ब्लाइंड फोल्ड यानी आंख बंद कर हथियार खोलना जोड़ना जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं। अभी अभी राइफल ऊंचा पाए तो आरक्षियों के द्वारा कुल 3 हथियार खोला बजोड़ा जाएगा। अपनी क्षमता प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास कर यह दवा रखी अपने जातीय व अन्य हथियारों का खोलना जोड़ना करेंगे। यह दवा रखी आप देख रहे हैं सभी दर्शकों का ध्यान मैदान के पीछे बीच आकर्षित कराना चाहूंगा। अभी आप देख रहे होता है हथियारों का खोलना अपने प्रशिक्षण पर पूर्ण विश्वास कर यह जवान इन हथियारों को खोल रहे हैं। जोरदार तालियां इन जवान के लिए। अलग अलग होगा इससे यह प्रतीत होता है कि इन प्रशिक्षकों को इन दवारकियों को और इसी गोरखपुर के समस्त वेपन इंस्पेक्टर द्वारा उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया गया है।
पहले जवान ने मात्र 44 सेकंड लिया जोड़ने में इन 3 हथियारों को। जोरदार तालियां उनके लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। जवान मैदान में पहुंच चुके हैं। इस प्रदर्शन में कुल 36 नव आरक्षियों ने भाग लिया है। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय का सामने सलूट से अभिवादन करेंगे, तत्पश्चात अपनी तालमेल का परिचय देंगे। इसमें सलामी शस्त्र, बगल शस्त्र, दाहिने सलूट और बाएं सलूट और 3 लाइन से 1 लाइन बनाया जाएगा। यह ड्रिल अनुशासन एवं तालमेल का उच्च कोटि प्रदर्शन करने के लिए जवानों को कराया जाता है। अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से जवानों के द्वारा चलते चलते सलामी शस्त्र और अपनी तालमेल का परिचय देती हुई। महोदय, यह प्रदर्शन प्रदर्शित करता है इन जांबाजों की शक्ति की उच्चतम अनुशासन, आत्मविश्वास, समन्वय एवं कठिन परिश्रम को, जिसका प्रदर्शन महोदय के समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इन नव आरक्षियों का हौसला जोरदार तालियां बजाकर करें। अभी आपने देखा किस प्रकार से मानो एक लहलहाती फसल को हवा के झोंकों ने दाहिने से बाएं की तरफ किया। अपने उच्च कोटि का प्रशिक्षण और तालमेल का परिचय देते हुए ये जवान मानो इस प्रकार से समुद्र में नौके चल रहे हो। और अब अगला प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अच्छी तालमेल, अच्छी प्रशिक्षण और आत्मविश्वास का परिचय इन जवानों ने आज इस प्रदर्शन के माध्यम से दे रहे हैं। और अब आप अगला प्रदर्शन देखेंगे इन जवानों के द्वारा। यह 2 लाइन की हालत में खड़े हुए और पूरे जोश के साथ जवानों के द्वारा जब ये जवान एक दूसरे की तरफ राइफल उछालते हैं और उनके ठीक मध्य से उनके प्रशिक्षक गुजरते हैं। अगला प्रदर्शन आप देखेंगे, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। लगातार अभ्यास का प्रतिफल आपके समक्ष। अनुरोध है कृपया साइड से आप कवर करें।
अभी आपने देखा मानो एक पिरामिड की तरह यह जवान नीचे झुकते हुए और अपनी तालमेल का परिचय देते हुए ऊपर उठा। अगला प्रदर्शन आप देखेंगे, दौड़ते दौड़ते दो लाइन से तीन लाइन में होंगे ये जवान और वापस आए थे और अब तीनों टीम की हालत में होते हुए अपनी सामने के माध्यम से जवानों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी शस्त्र से अभिवादन किया गया। पिरामिड बनाकर भारत माता की जय घोष कर दे जवान। हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल। महोदय प्रदर्शनों की श्रृंखला में आखिरी प्रदर्शन शारीरिक क्रियाकलापों का समय। सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति प्रदान किया इनके प्रशिक्षक और पहला प्रदर्शन के लिए तैयार लंबे घोड़े में थ्रो बोल्ट नबारक की भास्कर दास कांस्टेबल जीडी जीतू राय के द्वारा। माने एक हवा में छलांग इन्होंने लगाया और अब लग रहा आपने देखा दोनों घोड़े को टच करते हुए उन्होंने पार किया और डबल कॉम के लिए तैयार कांस्टेबल जीडी बी जनार्दन रेड्डी जो कि यहां पीटी के प्रशिक्षक हैं। कांस्टेबल जीडी अभिनव यादव आपने देखा किस प्रकार से घोड़े के ऊपर और आपके अगला प्रदर्शन मानो आपको ऐसे एहसास होगा जैसे समुद्र से मछली उछाल ले रहा हो और आपने देखा किस प्रकार से दौरान कांस्टेबल जीडी राजशेखर बहुत बढ़िया जिसे बुनियादी प्रशिक्षण में नाम दिया जाता है समरसोल जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं कांस्टेबल जीडी रुबुल डेका। आपने देखा किस प्रकार से बिना हाथ लगाए उन्होंने घोड़े को पार किया और अब कांस्टेबल जीडी जगन्नाथ लकड़ा बिना हाथ लगाए उन्होंने समरसोल। आपने देखा प्रशिक्षक के द्वारा अब ये अगला प्रदर्शक हर तंगेज कारनामे पीटी के प्रशिक्षकों के द्वारा लहलहाती आग के बीच से
जय हो पीटी के जोरदार तालियां। अपने प्रशिक्षण और पराक्रम महेश बहादुर आप देख रहे हैं जवानों के पेट के पर्दे मानो इनको प्रशिक्षण के दौरान यहाँ के प्रशिक्षकों के द्वारा।